आज सो एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही है जहां उसने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। सीधे आपको लिए चलते हैं भाई। एक एक कर पूरा ये तब होगा, आप जान रहे हैं ये फट जाता है। ये सबको एकत्रित करेंगे ना, पहले लैंड को ऐसे सपाट रखेंगे, लैंड के नेचर को रखेंगे, जमीन के मालिक को एक एक करेंगे। एक बड़ा काम है ये, 1.5-2 साल का ये काम मेरा रहेगा और इसको हम करके देंगे। ये पूरे राज्य के लगभग मुझे लग रहा है 80% या उससे ज्यादा के लोगों को राहत देने का काम करेंगे। मैंने एक नए आप नए तरीके से मैंने बोला ना, कभी भी राज्य सरकार या कोई भी गवर्नमेंट आई, रोजगार कहां से आएगा? केवल गवर्नमेंट पोस्ट को होल्ड करके बैठ के उसकी गिनती लोग बताते हैं। मैंने क्रिएट किया आपको कि रोजगार सृजन का आधार मेरा क्या होगा। आज के दिन में जो मैन पावर कमी के कारण गति मेरा घट जाता है या एक्सपीरियंस जो मांगता है, ये दोनों जरूरत बहुत है। देखो सरकार को भी जरूरत है कि उनको मैन पावर ज्यादा मिले, दूसरा मेरे पढ़े लिखे लोगों को भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट खोजा जाता है कहीं भी जाए। मैंने अगर डिग्री कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, मैंने कोई पढ़ाई प्रोफेशनली पढ़ाई कर ली, तो प्रोफेशनली हमारा अगर ट्रेनिंग विशेष ना होगा तो मुझे रोजगार देने में बड़ी बड़ी कंपनियां हिचकती है। मैं गवर्नमेंट के अंदर उनके लिए रास्ता खोज रहा हूं। मेरे यहां काम करने वाली सरकारी योजना, मान लो सड़क बन रहा है, सड़क बन रहा है तो सड़क की कंपनी को मेरे एग्रीमेंट में ही पहले होगा कि आपको 1% 2% इंसेंटिव आपको वहां के नौजवानों को आपको रखना पड़ेगा और उसी के तहत देते हुए मैं उनके लिए वहां पर 3 साल का उनका एक कोर्स तैयार करेंगे ताकि 3 साल तक वो काम करना सीखे और जो अच्छा करेंगे वो हो सके राज्य सरकार में रह जाए, उस एजेंसी के रह जाए या कहीं भी जाए तो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के साथ जाए। देखो ये सरकार के साथ तो तुलना ना करना, ये सरकार के साथ तुलना इसलिए ना करना, पिछले सरकार में इसी सरकार ने झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे थी। पिछले बार घोषणा में झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे थी, कांग्रेस पीछे था। 400 वायदे किए गए थे, अब 7 वायदे में आके समेट गए। और इस बार हेमंत जी सामने नहीं आए, झारखंड मुक्ति मोर्चा सामने नहीं आया, खड़गे जी सामने आए हैं और उन्होंने निश्चय पत्र को पढ़ा है, उन्होंने नहीं पढ़ा, इसलिए इनका सामने वाला के साथ तुलना नहीं है। ये जो मैया योजना लेके आए हैं जिसके बारे आप उल्लेख करते हैं, मैया के लिए 1000 रुपया लेके आए लेकिन सास और ससुर का पैसा काट के लाए। महंगाई के आधार पर ये 2500 भी नहीं रहेगा, बढ़ भी सकता है। ये महंगाई दर जैसा रहेगा वैसा इसको बढ़ोतरी होगी। और मैंने केवल इसी पर डिपेंड नहीं किया, आपने देखेंगे वो सपोर्टिंग 4 योजनाएं मेरे साथ में। और सबसे बड़ा मेरा पंचलाइन है कि हर परिवार को कम से कम हम साल में 1,21,000 और महीना में 10,000 से ऊपर उस परिवार को गवर्नमेंट सपोर्ट जाएगा। सर आपने कहा बीपीएल परिवारों को 200 यूनिट बिजली पूरी देंगे, लेकिन अभी जो सरकार है वो तो सबको मिलेगी। देखो ये फ्री योजना है, 200 यूनिट जाए, मैं ऐसा दूंगा कि जलाने के बाद जाए। ये भी सरकार 200 यूनिट बिजली दे ही नहीं पाती है, कहीं किसी को उतना खर्च ही नहीं होता है। मैं आपके लिए करूंगा, जब तक बिजली 24/7 रहेगा तब तो खर्च करिएगा, तब तो उसका उपयोग कर पाइएगा। आप उपयोग ही नहीं करते तो माफी का राशि तो बहुत कम होता है। मैं आपको उपयोग भी कराऊंगा और माफी भी करूंगा, ये तैयारी मेरी। सुदेश जी एक सवाल किधर बोलो। आपने इस पे जो स्थानीय नियोजन नीति लागू करने को लेकर जो वैधानिक अड़चनों की बात कही, ये वैधानिक अड़चने क्या है और इसको कैसे दूर करेंगे? ये राज्य सरकार को शक्तियां हैं, सरकार ने उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने उसके साथ राजनीति की। बगल के बिहार के सरकार ने इन व्यवधानों को दूर करके अब ये शक्ति है लोगों के अपने राज्य के अंदर आरक्षण की सीमा या फिर अंतिम कोई भी उनका परिचय बनाना है, यहाँ के लोगों का परिचय का निश्चय भी सरकार कर सकती है और उसके अनुसार कानून बना सकती है। हमने तीनों कानून को लाने की तैयारी की है। अंतिम सेटलमेंट को हमने आधार बनाया, हम उसको नौकरी में स्थान करेंगे। देखो पिछली सरकार ने कहा कि 75% का मैं कानून लेके आया, अब कहीं पर भी अब 75% लोकल का होगा, लेकिन लोकल कौन ये डिफाइन नहीं किया, ये बताओ। मजाक है लोगों के साथ, उन्होंने मजाक ही किया है। जो लोकल डिफाइन भी ना किए हुए आपने कह दिया कि लोकल की भर्ती होगी, कहीं पर एक आदमी भी इस तरह से उन्होंने रखवा पाए तो बोल दीजिए हमको। ये सारी चीजों को जब आपका इरादा अच्छा होगा,
ईमानदारी से चीजों पर पहल करेंगे तो निश्चित रूप से ये चीजें भी ठीक होगा। हमारा पहल ईमानदारी पूर्वक होगा और हम अपने नौजवानों की जो क्षति हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।